जसपुर के थाना कुंडाश्वेत ग्राम हल्दुआ शाओ में किसानों की समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर परेशान किसानों के प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को सपा और लोकदल ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि हल्दुआ साहू और शमशान घाट को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर किसानों के द्वारा बनाए गए पुल को टोल प्लाजा की आमदनी बढ़ाने के चलते तोड़ दिया गया था, जिसकी पूर्व ग्राम प्रधान ने शिकायत सीएम पोर्टल पर की थी। जांच में भी पुल तोड़े जाने की पुष्टि हुई थी। बावजूद इसके आरोपी टोल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से किसान नाराज हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुझे यहाँ पे लोगों ने सूचना दी कि साहब यहाँ टोल टैक्स द्वारा एक पुल जो किसानों ने बनाया था वो तोड़ दिया गया। ये पुल टोल टैक्स से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये किसानों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो अपनी फसल यहाँ से उठाते हैं और सीधे काशीपुर मंडी में ले जाते हैं। यहाँ पर पास में शमशान घाट है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी यहीं लाया जाता, वो भी इस पुल द्वारा ही गुजरते हैं लोग। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने दबंगई दिखाई है। यहाँ के जो टोल प्लाजा के मैनेजर हैं उन्होंने JCB ला के पुल तोड़वा दिया गया। बीच में जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर आए दिन पहली बात तो यह है कि किसानों के साथ गुंडागर्दी से पेश आते हैं वहाँ के कर्मचारी। दूसरा, अभी बीते दिनों टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा क्षेत्र की माँ बेटियों के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा प्रयोग की गई, जिसको कि हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। और टोल कर्मी जो यहाँ काम करते हैं उनका वेतन नहीं दिया गया और एक व्यक्ति जिसका वेतन नहीं दिया गया उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। और जान से मारने की धमकी के जब उसकी तहरीर उसने नज़दीकी थाने में दी तो टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। आया जिस दिन, एक दिन रात में ये पुल तोड़ दिया गया, बारिश भी काफ़ी पड़ रही थी, तो उसके बाद मैंने इसकी शिकायत की, रास्ता यहाँ से बंद हो गया। शिकायत मैंने पोर्टल पर की कि एक सुखलाल राणा जी हैं ब्लॉक में, उन्होंने जो है इस पर ये रिपोर्ट लगाई कि ये पुल टोल वालों ने तोड़ा है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा शिकायत की, दोबारा उन्होंने उस शिकायत को चेंज कर दिया, किसी प्रधान की रिपोर्ट लगा दी उसमें कि ये पुल बारिश से टूटा है। मैं बिश्नोईया, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मेरा फार्म जो है बिल्कुल नाले के बिल्कुल बराबर है, जिसमें 10 एकड़ का है, जिसमें अमरूद का बाग लगा हुआ है। मेरा आने जाने का रास्ता और किसानों का आने जाने का रास्ता मेन यही है, क्योंकि अगर हम अपने खेत पर जाते हैं तो हमें जो है टोल से गुजरना पड़ता है। टोल से गुजरने का परिणाम ये होता है कि कम से कम जो है हमें 2 बार टोल देना पड़ता है, 200 या 250 रुपये। और हमारा मेन रास्ता ये था जो कि इस समय अवरुद्ध है। क्या इस रास्ते से जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल लेकर, अपने ट्रैक्टर लेकर और अपना घर के लिए भी इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं।